Hello everyone, welcome to SS Security. So today's topic is based on XSS cross-site scripting. Now, what is XSS? Cross-site scripting is a type of security vulnerability typically found in web applications. ये basically एक security vulnerability है जो web applications में मिलता है. XSS attacks enable attackers to inject client-side scripts into web pages viewed by other users. इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट साइड का जो स्क्रिप्ट होता है उसमें हम लोग एक मैलिशियस स्क्रिप्ट लिख के उसमें इंजेक्ट कर देते हैं. आफ्टर दैट जो व्यूअर्स या यूजर्स उस पेज में ओपन आएगा, ओपन करेगा, व्यू करेगा, तो वो इन्फेक्ट होगा उस मैलिशियस स्क्रिप्ट की वजह से. अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मे बी यूज्ड बाय अटैकर्स टू बाईपास एक्सेस कंट्रोल्स सच एज द सेम ओरिजिन पॉलिसी. अब यहाँ पे जो सेम ओरिजिन पॉलिसी है उसका मतलब पहले जान लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके बाईपास कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है इसमें क्या होता है, वेब ब्राउजर परमिट करता है स्क्रिप्ट्स को जो फर्स्ट वेब ब्राउजर में वेब पेज में एक्सेस होगा डेटा के लिए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए या फिर कोई डेटा एक्सेस करने के लिए जो चीज वहां पे अलाउ होता है वो इस पॉलिसी के थ्रू होता है. कौन सा स्क्रिप्ट किस डेटा की वजह से यूज किया जाएगा, कौन सा स्क्रिप्ट कब काम करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XSS. अगर वल्नरेबल है वेबसाइट तब इट इज पॉसिबल टू बाईपास दैट. नाउ XSS आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन रिफ्लेक्टेड, सेकेंड स्टोर्ड एंड थर्ड डॉम XSS. इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज हम रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर के बारे में जानते हैं. तो रिफ्लेक्टेड XSS को अगर हम नॉर्मल वर्ड में बात करें तो आप मिरर के सामने अगर खड़े हो तो आप खुद के रिफ्लेक्शन को मिरर में देख पा रहे हो. ऑब्वियसली आप जब तक मिरर के सामने खड़े हो खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में देखोगे, जैसे ही आप वहां से मूव होते हो आपका रिफ्लेक्शन हट जाएगा ऑब्वियसली, राइट. सेम चीज यहाँ पे होता है. रिफ्लेक्टेड XSS भी कुछ इस तरह से काम करता है. अगर हम एक मैलिशियस स्क्रिप्ट को रन करवाते हैं उस टाइम के लिए ही वहां पे शो करेगा या पॉपअप होके आएगा जब तक हम वहां पे उस पेज में है. जब हम लोग पेनटेस्ट करते हैं अगर मुझे लगता है कि एक वेबसाइट में रिफ्लेक्टेड XSS का चांसेस है तो हम स्क्रिप्ट जब टाइप करेंगे या फिर कोई भी जगह पे जहाँ पे सर्च हो सकता है रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा तो वहां पे अगर हम टाइप करते हैं सर्च करते हैं तो अगर वो इन्फेक्टेड रहा तो मुझे रिस्पॉन्स एज अ पॉपअप विंडो दे देगा या फिर जैसा स्क्रिप्ट हम रन करवा रहे मेरे को शो हो जाएगा. ओके तो इन रिफ्लेक्टेड XSS द अटैक वेक्टर इज इनसाइड द HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस बाय द सर्वर. इफ द सर्वर्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस आर सिमेंटिकली रिलेटेड द सर्वर्स रिस्पांस इज फॉर्मड फ्रॉम द रिक्वेस्ट डेटा. फॉर एग्जांपल द रिक्वेस्ट कुड बी सर्च क्वेरी एंड द रिस्पांस माइट बी रिजल्ट पेज. ओके सो अब इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि आप कुछ भी टाइप करो आपका रिजल्ट ऑन द स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, राइट. नाउ अब इसमें क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करके रिफ्लेक्टेड काम करता है. अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं DBWA. तो इससे पहले हम बता देते हैं DBWA में अगर आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली सबसे पहला बात है लाइव वेबसाइट्स में कभी भी अटैक आपको नहीं करना है. कोई भी टेस्टिंग अगर आपको पता नहीं है कैसे करके किया जाता है तो आप लाइव टेस्ट नहीं करोगे. ओके जो भी हम अपने चैनल में दिखाते हैं वो सारा चीज स्टडी पर्पस के लिए होता है. कुछ भी अगर आप करते वक्त या कोई भी तरह से अगर आप फेस कर रहे हो, कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे, राइट. तो जब भी आप टेस्ट कर रहे हो DBWA है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज आपको मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू DBWA जो कि डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है, उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए जो कि है dbwa.co.uk. यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, यूज कर सकते हो. गिटहब में अवेलेबल है, गिटहब में अगर आप सर्च करते हो वहां भी अवेलेबल है, या फिर बेस्ट ऑप्शन इज Metasploitable 2. सिंपली Metasploitable 2 को डाउनलोड करिए. डाउनलोड करने के बाद जितना भी आपका टेस्टिंग है आप उस पर कीजिए, ठीक है. तो इसमें लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड का जरूरत पड़ता है वो है एडमिन एंड पासवर्ड. इस पासवर्ड सेम है, पासवर्ड पासवर्ड लिखना है, सब स्मॉल में होगा, यूजर नेम में एडमिन लिखना है, बाय डिफॉल्ट रहता है इसका यूजर नेम और पासवर्ड. सो यहाँ पे आने के बाद जबकि स्टार्टिंग में आप आ रहे हो, स्टार्टिंग में नॉर्मली जब आप सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको DBWA का सिक्योरिटी में जाना है.
एंड यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट हाई दिखेगा, उसको आप लो कर लीजिए। अभी हम जस्ट बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मल चीज दिखाने वाले हैं, तो हम इसको लो में रख रहे हैं। जैसे जैसे हम इसमें और पार्ट्स ऐड करते जाएंगे एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट में, वैसे वैसे हम लो से मीडियम देन हम हाई में जाएंगे। चलिए इसको सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सरसाइज रिफ्लेक्टेड। चलिए यहाँ पे एक कोड रन करके देखते हैं, कोड और स्क्रिप्ट रन करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए सबसे पहले टाइप करना शुरू करते हैं। अलर्ट 1 और अलर्ट 12, स्क्रिप्ट क्लोज होगा। ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट है। सबमिट अगर करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जबकि ये वेबसाइट मुझे पता है वल्नरेबल है, तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो के आ गया है, राइट। अब ये अगर वल्नरेबल नहीं रहता तो ऐसा कोई चीज देखने को मुझे नहीं मिलता। इवन आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर में है, जब पॉपअप विंडो होके आया तो यहाँ पे नेम इक्वल्स टू स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली जो हम टाइप किए व्हाट्स योर नेम में हम स्क्रिप्ट टाइप किए तो यहाँ पे आ गया, शो कर रहा है। नाउ अगर हम मूव करते हैं दूसरा जगह पे, सपोज इस वेब पेज को ओपन करते हैं एंड अगेन हम जाते हैं रिफ्लेक्टेड में, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं रहेगा। एज आई सेड अर्लियर, ये मिरर के फॉर्म में काम करता है। जब तक आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे हो तब तक वो काम करेगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही आप उस पेज से हट जा रहे हो उसका काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, स्टोर्ड एक्सेसेस। इसमें होता है, आप इसके पहले आप देखें कि मिरर फॉर्म में काम कर रहा है रिफ्लेक्टेड, जब तक आप हो तब तक वो काम करेगा, जैसे ही आप वहां से हट रहे हो वो और काम नहीं करेगा। स्टोर्ड के केस में क्या होता है, आप डायरेक्टली जो डेटाबेस है सर्वर का वहां पे जाके सेव कर रहे हो। जो भी चीज आप एंट्री करोगे, जो भी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे एंट्री करोगे, आप सारा चीज को इनडायरेक्टली स्टोर कर दोगे वेबसाइट के वेब सर्वर पे, जो डेटाबेस है वहां पे स्टोर हो जा रहा है। अब वहां से बचने का एक ही उपाय है, जो वेबसाइट जो ओन करता है वेबसाइट को, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस में जाके मैन्युअली उस स्क्रिप्ट को हटाना होगा। अगर वो नहीं हटाते हैं तो बार बार जितना बार उस पर्टिकुलर वेब पेज को आप ओपन करिएगा वो इफेक्टेड शो करेगा। सो देख लेते क्या है। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी ऑकर्स व्हेन एन अटैक वेक्टर कंटेन्स जावास्क्रिप्ट दैट डजंट कम इन अ यूजर रिक्वेस्ट, इंस्टेड द जावास्क्रिप्ट कोड इज डाउनलोडेड फ्रॉम द सर्वर सच एज द डेटाबेस और फाइल सिस्टम। द एप्लीकेशन माइट अलाउ यू टू सेव डेटा फ्रॉम एन अनट्रस्टेड सोर्स एंड subsequently use this data to generate a server response to a client's request. Paired with poor handling of HTML escape sequences, this presents an opportunity for a stored accesses attack. Obviously, अगर आपका डेटाबेस या जो वेब पेज आप यूज कर रहे हो जब बिल्ड कर रहे हो वो अगर प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं है, okay, तब ऐसा केसेस अराइज होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। इससे बचने का एक उपाय है, आपको ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा स्पेशल कैरेक्टर्स को, ओके? चलिए अब एग्जांपल या प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे करके स्टोर्ड काम कर रहा है। कमिंग बैक टू DBWA, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सेस स्टोर्ड। तो यहाँ पे अगर हम टेस्ट 34 हेलो टाइप कर रहे हैं, साइन इन गेस्ट बुक, आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेस्ट 34 इसका डेटाबेस में स्टोर हो गया है। जब ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे स्टोर हो गया मींस हम जो स्क्रिप्ट अभी टाइप करेंगे वो भी स्टोर होगा। चलिए वो भी देखते हैं, टेस्ट 342 सेम स्क्रिप्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। अलर्ट 12, स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं, साइन इन गेस्ट बुक, आप यहाँ पे देख रहे हो पॉपअप हो क्या आया। नाउ अब देखते हैं दूसरे पेज में जाके, अगेन कमिंग बैक टू एक्सेस स्टोर्ड, सी ये स्टोर्ड हो चुका है। जब जितना बार आप यहाँ पे आओगे ये पॉपअप विंडो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये सर्वर के डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। फिर से ओके प्रेस करते हैं, अगेन अगर हम कहीं और जाते हैं देन अगेन अगर यहाँ पे बैक आते हैं अगेन सेम देगा। अब यहाँ पे और एक स्क्रिप्ट लिखते हैं,
टेस्ट 45। नाउ स्क्रिप्ट लिखते हैं जो मेरे को एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करेगा। उसके लिए नॉर्मल अगर स्क्रिप्ट हम बोले सो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन देन इक्वल्स डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे HTTP, ओके वेट यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हम इस पेज में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। सी ओके तो इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद स्क्रिप्ट को भी बंद करते हैं। ओके वेट ओके ओके ऑलराइट, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक चीज करना होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है 50, मुझे इसको चेंज करना होगा, तो 50 को हम 500 कर देते हैं। ओके चलिए इसको क्लोज करते हैं, एक मिनट गाइस। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं। नाउ इसको अगर हम ओके करते हैं देन क्या होगा, रिडायरेक्ट कर दिया मुझे। सी इसको बंद कर देते हैं एंड अगेन हम जाते हैं फाइल इंक्लूजन में, देन अगेन अगर हम स्टोर में आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्क्रिप्ट रन हुआ था 12 लेके जो पॉपअप करेगा अलर्ट देगा 12 एंड आफ्टर दैट जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया DVWA में। जितना बार इस पेज में हम आएंगे मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा, मेरे को रहने नहीं देगा वहां पे बिकॉज ये डेटा बेस में जाके स्टोर हो चुका है। ओके तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ चीज, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको डाउट हुआ है हम ऑब्वियसली आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डॉम को कवर करेंगे। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, एक्सरसाइज यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, जस्ट बेसिक्स था। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।